आओ अब हम देखेंगे डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अगर आपको 10, 100, 1000 ऐसे जीरो वाले नंबर्स हैं तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत इजी है, विदाउट कैलकुलेशन आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन, सपोज 143.6 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको सिंपल डिवाइड करके देखा 10 से, तो 10 बन जा 10, 4 रिमाइंडर आया 3 लिया, 10 4 जा 40, 3 आया 6 लिया, पॉइंट के बाद वही डिजिट आ रही ना, तो उसने पहले पॉइंट लगा लिया, फिर 10 3 जा 3rd, 6 रिमाइंडर बचा, तो आपका आंसर आ गया 14.3। ओके, पहले पॉइंट कहाँ था? 3 के बाद। अब पॉइंट कहाँ आया? 3 से पहले, तो पॉइंट को इधर जंप करना है आपको लेफ्ट साइड पे। ओके, जितनी ना पहले नंबर ऑफ जीरो काउंट कीजिए, यहाँ कितनी है 1, तो पॉइंट 1 जंप हो गया, तो आ गया 14.36। ओके, 14.36। अब अगर क्वेश्चन लिखा है 143.6 डिवाइडेड बाय 100, अब 100 से करना है, 100 के बाद कितनी जीरो है 2, तो 1 एंड 2, तो हमने 2 जंप किया, तो पॉइंट आ गया 1.43। ओके, अब देखिए 143.6 इसको हम डिवाइड किया 1000 से, तो पॉइंट आ गया 1, 2, 3, कितनी जीरो है 3, तो कितना जंप करेंगे 3, 1, 2, 3, बना लीजिए इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, 2, 3, तो आप पॉइंट आ गया 1 के बाद, तो आ गया 0.1436। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है और उतने ही नंबर पे उतने ही जंप करवाने हैं डेसिमल्स को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/100, अब 100 में कितनी जीरो है 2, पॉइंट है यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना जंप कराना है 2, 1 और 2, 2 जंप किया आपने, पॉइंट लगाया, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 0, जहां क्वेश्चन आते हैं वहां से 0 लगा सकते हैं यहाँ पर, तो आपका आ गया 0.05। ओके, अब यहाँ देखिए 173.2, ये है क्वेश्चन, आपको डिवाइड किससे करना है 100 से, तो 1, 2, तो आ गया 1.732। ओके, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें 1.732 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कहाँ जाएगा, यहां से कितना जंप करेगा, कितनी जीरो है 1, तो यहां से जंप होके यहां चला जाएगा, तो 0.1732 हो जाएगा। ओके, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस एंड जंप द डेसिमल्स। ओके, इन द लेफ्ट साइड, राइट साइड में नहीं जाना आपको जंप करना, लेफ्ट साइड में जाना है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000। जैसे आपने अभी डिवीजन सीखा वैसे ही मल्टीप्लाई है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि वहां पर हम लेफ्ट साइड में जंप करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आप राइट साइड जंप करते हैं। ओके, डेसिमल का जंप लेफ्ट साइड में होगा डिवीजन में, और मल्टीप्लाई में राइट साइड में होगा। ओके, सेम वही मेथड है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए और डेसिमल को जंप करा दीजिए, बस दैट्स ऑल। देखिए एग्जांपल 3.52 मल्टीप्लाई 10, कितनी जीरो है 1, तो 0.1 जंप हो गया इस साइड, तो आ गया 35.2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 25.4 मल्टीप्लाई 100, 25.4 अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो लगाएंगे ना, पता है आपको जितनी जीरोस होती है उतनी जीरो हम पुट कर देते हैं, तो 2 जीरो हमने यहाँ पुट कर दी। ओके, अब कितना जंप कराना है आपको 2, तो 1 एंड 2, तो पॉइंट आ गया यहाँ, तो आ गया 2540.0। अभी देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 1000, 0.5 को अगर हम 1000 मल्टीप्लाई किया तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 3 जीरो हमने ऐड कर दी, अब पॉइंट कितना जंप कराना है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, तो आ गया 500.0। ओके, यहाँ देखिए 56.3 मल्टीप्लाई 100, 3 के इसके आगे दो जीरो लगाई
क्योंकि 100 में कितनी जीरो है, 2, तो 2 जीरो पुट करी। अब जंप कितना कराना है, वो भी 2, तो 1 और 2, तो आ गया 5630.0। ओके समझ आ रहा है। अगर डिवीजन होगा तो लेफ्ट साइड में जंप करेगा डेसिमल, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में डेसिमल जंप करेगा, बस, और इससे कुछ भी अलग नहीं है। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस, पैसे को रुपीस में चेंज करना। ओके 25 पैसे को आपको रुपीस में चेंज। अब 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100। अगर आपको रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 5 रुपीज में कितने पैसे हुए, 500। 1 रुपीज में 100, 2 रुपीज में 200, 3 रुपीज में 300, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपको पैसे से रुपीज में लाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ओके तो 25 डिवाइडेड बाय 100। ओके 25 अपॉन 100, 100 है कितनी जीरो है, 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया 0.25। यहाँ है 132 पैसे, तो 132 डिवाइडेड बाय 100, तो हो गया रुपीस, यहाँ 1 और 2, जहां पॉइंट नहीं है इट मीन्स कहां पर है पॉइंट, बिल्कुल लास्ट में, 1, 2, तो 1.32। ओके अब आपके पास लिखा है 4 रुपीज 532 पैसे, 4 रुपीज तो रुपीज में पहले से ही है, आपको इसे चेंज करना है पैसे में, तो आपने डिवाइड किस में किया, 532 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 में कितनी जीरो है, 2, तो पॉइंट कितना जंप हुआ, 1 एंड 2, तो पॉइंट आ गया यहाँ। ओके उसके बाद 5 और 4 नेचुरल होल नंबर्स है, तो 5 प्लस 4 9.32 इज द आंसर। समझ आ रहा है, 100 से डिवाइड करना है, 100 में कितनी जीरो है, 2, तो डेसिमल 2 प्लेस पे जंप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी, आपको आपस में इन क्वांटिटी को इंटरचेंज करना है। ओके तो इसके लिए पहले आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, किलोमीटर सबसे ऊपर आएगा, किलो, फिर हेक्टोमीटर, हेक्टो किलोग्राम भी हो सकता है, किलो लीटर भी हो सकता है, आप ये चेंज कर सकते हैं बस। ओके ये सीक्वेंस आपका सेम है, किलो फिर हेक्टो, डेका फिर मीटर, मीटर है तो मीटर, किलोग्राम है तो ग्राम, लीटर है तो लीटर, कुछ भी लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे। ओके डेसी, सेंटी एंड मी, मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपका सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको लर्न करना है। टेबल आपको लर्न है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किलो की क्वांटिटी को चेंज करने में। जब भी हम नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, जब भी आप ऊपर से नीचे की साइड आते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई। ओके जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, ओके मिलीमीटर छोटा है या किलोमीटर छोटा है बताइए, मिलीमीटर छोटा है, किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो हम मिलीमीटर से अगर किलोमीटर में जा रहे हैं, मतलब छोटे से अगर हम बड़ी इसमें जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर हम लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में आ रहे हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब किससे करेंगे ये भी है क्वेश्चन, 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, तो इन सबके बीच में 10 का डिफरेंस होता है। ओके 10 सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 10 और 10। ओके अब देखिए आपको सपोज मिलीमीटर को चेंज करना है डेसीमीटर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, कितनी जीरो है इसमें देखो, 1 और 2, यहाँ पे लाना है ना, तो कितनी जीरो आई, 2, इट मीन्स आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके अगर आपको मिलीमीटर को लाना है मीटर में तो कितनी जीरो आ रही है, 1, 2, 3, तो हो गया 1000, मतलब 1000 से आप डिवाइड करेंगे। सेम यही सीक्वेंस है, आप बस जीरोस काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 जीरोस है,
अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड। एग्जांपल 252 मीटर को आपको लाना है किलोमीटर में। ओके अब देखिए मीटर है यहां पर और किलोमीटर है यहां, तो 1, 2, 3 कितनी जीरो आई? 3, तो लिखा हमने 1000। 1000 में कितनी जीरो है? 3, तो पॉइंट जंप होगा 1, पॉइंट जंप पॉइंट यहां है 1, 2, 3, यहां आ गया पॉइंट, 0.252 किलोमीटर। ओके अब देखिए 562 मिलीमीटर को लाना है आपको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर है सेंटीमीटर ये, तो कितने का डिफरेंस है? 10, कितनी जीरो आ रही है? 10, एक ही जीरो आ रही है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ 10। तो अब पॉइंट कहाँ है? यहाँ, तो हम पॉइंट एक जंप करवा दिया, आ गया यहाँ 56.2। अगर हमको करना है मीटर में चेंज, ओके तो मिलीमीटर से मीटर में 1, 2, 3, 3 0 आई, तो अब लिखेंगे 3 0 लगाया, अब 1, 2, 3, 3 नंबर, 3 डिजिट, 3 प्लेसेस डेसिमल जंप हो गया, तो आंसर आ गया आपका 0.562। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 किलोग्राम 5 ग्राम। ओके किलोग्राम को, इसको पूरे को चेंज करना है किलोग्राम, तो 6 तो पहले से ही किलोग्राम में है तो आप इसको किलोग्राम में छोड़ दीजिए, 5 है आपका ग्राम में, फिर अभी अभी टेबल देखेंगे आप तो 5/1000। ओके तो 1, 2, 3, 3 0 है तो 3 नंबर जंप किया, तो आ गया 6.005। बस आपको ये टेबल ही लर्न करनी होती है, इसके लिए किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसका बहुत इजी एक वर्ड है, कीवर्ड है लर्न करने के लिए, कहाँ है दिल्ली में DCM, ये याद कर लीजिए, कहाँ है दिल्ली में DCM, तो कहाँ, कैसे कहाँ है दिल्ली, डेका, मीटर, DCM, तो भी फर्स्ट लेटर अगर आपको पता चल गए तो उसके आगे तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। और जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई और जीरो को काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके थैंक यू।